नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्रोही आनंद। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। तफ्तीश की कड़ी में आप सभी का स्वागत है। भारत चीन सीमा पर 9 महीने से चल रही तनातनी खत्म हो गई है। भारत की जीत हुई है और चीन को पीछे हटना पड़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में ये अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पेंगोंग के नॉर्थ और साउथ इलाके में डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। हालांकि अभी भी कुछ मुद्दे बचे हैं। चीन के साथ बातचीत में हमने कुछ खोया नहीं है। सीमा विवाद पर संसद में रक्षा मंत्री की तरफ और कौन कौन सी बातें कही गई हैं, देखिए। भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है। सभापति महोदय, हमारी सेनाओं ने इस बार भी यह साबित करके दिखाया है कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करने में वे सदैव हर चुनौती से लड़ने के लिए तत्पर हैं और अनवरत कर रहे हैं। सभापति महोदय, पिछले वर्ष से मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन के साथ हमारा संबंध बना रहा है। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा यलेसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। सभापति महोदय, फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौट जाएं। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने दें। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए। इन दिशा निर्देशों के दृष्टिगत सितंबर 2020 से लगातार मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसएंगेजमेंट का म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीका निकाला जाए। अभी तक सीनियर कमांडर्स के स्तर पर 9 राउंड्स की बातचीत हो चुकी है। राजनयिक स्तर पर भी WMCC यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर के तहत भी बैठकें होती रही। मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि भारत ने चीन को हमेशा यह कहा है कि बाइलेटरल रिलेशन दोनों पक्षों के प्रयास से ही विकसित हो सकते हैं। साथ साथ ही सीमा के प्रश्न को भी बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है, परंतु यलेशी पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी में किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति का हमारी बाइलेटरल टाइज पर बुरा असर पड़ता है। इससे चीन भी अच्छी तरह अवगत है। कई हाई लेवल ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी यह जिक्र किया गया है कि एलएसी तथा सीमाओं पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी कायम रखना बाइलेटरल रिलेशन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। सभापति महोदय, पिछले वर्ष से चीन के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके फलस्वरूप चीन और भारत के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा है। उच्च स्तर पर चीन के साथ कई बार बातचीत के दौरान, जिसमें मेरे द्वारा चीनी रक्षा मंत्री के साथ पिछले सितंबर की बैठक और मेरे सहयोगी विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी की चीनी विदेश मंत्री के साथ तथा हमारे NSA श्री अजीत जी डोभाल की अपने चीनी काउंटर पार्ट के साथ बातचीत शामिल है। हमने स्पष्ट कर दिया है सभापति महोदय, यह अत्यंत आवश्यक है एलएसी के सभी फ्रिक्शन पॉइंट पर डिसएंगेजमेंट किया जाए ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुनः स्थापित हो सके। सभापति महोदय, पिछले वर्ष मैंने इस सदन को अवगत कराया था एलएसी के आसपास ईस्टर्न लद्दाख में कई फ्रिक्शन एरियाज बन गए। चीन ने बड़ी संख्या में सेना एवं गोला बारूद आदि भी एलएसी के आसपास तथा उसके पीछे अपने क्षेत्रों में इकट्ठा कर लिया है। हमारे सशस्त्र सेनाओं द्वारा भी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से एडिक्वेट तथा इफेक्टिव काउंटर डिप्लॉयमेंट
भी किए गए हैं। मुझे यह बताते हुए सभापति महोदय गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है सभापति महोदय, तथा अपने शौर्य और बहादुरी का परिचय पेंगांगतो के साउथ एवं नॉर्थ बैंक पर दिया है। यह भी तय हुआ है कि दोनों पक्ष नॉर्थ बैंक पर अपनी सेना की गतिविधियां, जिसमें परंपरागत स्थानों की पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है, वो अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे। पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सेना एवं राजनयिक स्तर पर यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर आगे बातचीत करके समझौता बनेगा। इस समझौते पर कार्रवाई कल से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर प्रारंभ हो गई है। यह उम्मीद है इसके द्वारा पिछले साल के गतिरोध से पहले जैसी स्थिति बहाल हो जाएगी। सभापति महोदय, मैं इस शरण को आश्वस्त करना चाहता हूं, इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। सभापति महोदय, सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं अभी भी यलेची पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज बचे हुए हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि बाइलेटरल एग्रीमेंट्स तथा प्रोटोकॉल के तहत पूर्ण डिसएंगेजमेंट जल्द से जल्द कर लिया जाए। अब तक की बातचीत के बाद चीन भी देश की संप्रभुता की रक्षा के हमारे संकल्प से पूरी तरह और अच्छी तरह अवगत है। हमारी यह भी अपेक्षा है कि चीन द्वारा हमारे साथ मिलकर बचे हुए मुद्दों को हल करने का पूरी गंभीरता के साथ प्रयास किया जाएगा। सभापति महोदय, मैं इस सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे साथ संपूर्ण सदन हमारी आर्म फोर्सेस की इस विषम एवं भीषण परिस्थिति की भीषण बर्फबारी की परिस्थितियों में भी शौर्य और वीरता के प्रदर्शन की भूरी भूरी प्रशंसा करे। और सभापति महोदय मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन शहीदों के शौर्य और पराक्रम की नींव पर यह डिस एंगेजमेंट आधारित है, उन्हें देश सदैव याद रखेगा। सभापति महोदय मैं इस बात से भी पूरी तरह से आश्वस्त हूं, यह पूरा सदन, चाहे कोई किसी भी दल का क्यों ना हो, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता और सुरक्षा के प्रश्न पर एक साथ खड़ा है और एक स्वर से समर्थन करता है कि यह संदेश केवल भारत की सीमा तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे विश्व को जाएगा। सभापति महोदय, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। धन्यवाद सभापति महोदय, जय हिंद। आपको बता दें कि पिछले करीब 9 महीने के तनाव के बाद भारत और चीन की सेना सीमा पर पीछे हटने को तैयार है। वहीं ताइवान भी अब चीन को भारत की तरह जवाब दे रहा है। लद्दाख में भारतीय सेना का जज्बा और हिम्मत दुनिया के लिए मिसाल बन गई है। भारतीय सेना ने हड्डियों तक गला देने वाली ठंड में झंडा गाड़कर चीन को बता दिया कि हम किसी से डरते नहीं। हमने ये भी साफ कर दिया कि चीन के पीछे हटे बिना समस्या का कोई समाधान नहीं है। फिलहाल तफ्तीशी कड़ी में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विद्रोही आनंद।